18 जून सन 2022, आज का पंचांग, आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की जानकारी, राहु काल के अशुभ समय की जानकारी, अभिजीत मुहूर्त और भूलिक काल की जानकारी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 18 जून सन 2022, आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज का राहु काल का अशुभ समय कब प्रारंभ होगा, अभिजीत मुहूर्त भूलिक काल का शुभ समय कब रहेगा और आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। पंचमी तिथि 12:20 मध्य रात्रि तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि होगी। आज का वार शनिवार है। आज श्रवण नक्षत्र 7:39 प्रातः काल तक रहेगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। जबकि आज का योग वैधृति योग 1:50 दोपहर तक रहेगा और उसके बाद अविष्कुंभ योग होगा। आज का करण कौलव करण है, दोपहर 1:35 तक रहेगा, उसके बाद तैतिल करण होगा। वही बात करें आज के राहु काल के अशुभ समय की, तो आज 8:50 प्रातः काल से लेकर के 10:37 प्रातः काल तक राहु काल का अशुभ समय होगा। अभिजीत का मुहूर्त 11:52 से लेकर के 12:46 मध्याह्न काल तक रहेगा और भूलिक काल का समय 5:23 प्रातः काल से लेकर के 7:10 प्रातः काल तक रहेगा। राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें, अभिजीत मुहूर्त और भूलिक काल में सभी शुभ कार्यों को किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को किया जाता है। भूलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को करना चाहिए। आज का दिशा सूल पूर्व दिशा है। आज पूर्व दिशा में यात्रा करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन पूर्व दिशा की ओर यात्रा पर जाते हैं, कामकाज नौकरी को लेकर के पूर्व दिशा की यात्रा करते हैं, तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी विशेष प्रयोजन से खास काम के लिए आवश्यक स्थिति में पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, तो काली उड़द व अदरक का सेवन करके ही आज पूर्व दिशा की ओर जाएं। और जब भी यात्रा पर निकले उस समय देखें जिस भी नासिका क्षेत्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो, गतिमान स्थिति में हो, उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा शुरू करिएगा। निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। आज शुक्रदेव का राशि प्रवर्तन होगा। शुक्रदेव मेष राशि को छोड़कर के अपनी स्वराशि में जाएंगे, वृषभ राशि में। साथ ही आज से पंचक प्रारंभ होंगे। पंचक में चारपाई को बुनना व चारपाई को खरीदना बेचना विशेषकर विशेष वर्जित माना गया है। पंचक में घर की छत नहीं डालनी चाहिए। पंचक में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए और अंतिम संस्कार इत्यादि में पंचक का विचार किया जाता है। पंचक शांति अवश्य करनी चाहिए। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करें। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।